नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपका 444 क्वली टैरो की एक और नए पिक कार्ड रीडिंग में। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, होपफुली ये रीडिंग आपको हेल्प करे। तो आज है हमारी वीकली एनर्जी रीडिंग। तो आने वाले हफ्ते में क्या एनर्जी रहेगी आपके लव लाइफ, करियर, मनी को लेकर, साथ ही साथ में एडवाइजर्स, वो हम सब जानेंगे। तो हमेशा की तरह यहाँ पे आपके लिए 3 पायल्स हैं सेलेक्ट करने के लिए। सो जो भी पायल या इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे अपने पायल की शेप में सेलेक्ट कर लीजिए। इफ़ यू हैव चोजन योर पायल, हम पायल 1 के साथ चलेंगे। 2 और 3 के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो सी यू एट योर रीडिंग। हेलो माई पायल नंबर 1, जिन्होंने भी यहाँ पे ग्रीन कलर की एंजल को चूज़ किया है, अगर हम बात करें आपके लिए ओवरऑल कैसा एनर्जी चल रहा है इस वीक का, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी फ्लो हो रही है, वो बड़ी ही फर्टाइल एनर्जी है। तो कुछ भी आप ग्रो करना चाहते हो, कुछ भी आप कुछ नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हुए इन द फ्यूचर दिख रही है। साथ ही साथ में कुछ लोग अपने आप को इस हफ्ते पैम्पर करते हुए भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो द गॉड्स आर सेइंग कि ये हफ्ता आप रिलैक्स कर सकते हो या कोई नई चीज़ को बहुत ही फन के साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो काफ़ी एक ईजी गोइंग ये हफ्ता आपके लिए रहने वाला है। अगर बात करें आपकी लव लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। अगर पार्टनर की तरफ से इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, पार्टनर की तरफ से इंटरेस्ट, एफर्ट्स आपको सब बहुत स्ट्रांगली दिखेंगे। लव लाइफ में चीज़ें अच्छी फिक्स हो रही हैं। इवन फॉर द सिंगल पीपल आई एम सीइंग हियर इज़ कि कोई अप्रोच कर सकता है, या आप अपनी स्पेस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे हो, मानो कि हर चीज़ एक टोटल अलाइनमेंट में आती हुई नज़र आ रही है। बात करें अगर हम आपके करियर मुझे यहाँ पे थोड़ा स्टेबल लग रहा है, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज लग रहा है, सब चीज़ें नॉर्मल लग रही है। एंड मुझे साथ ही साथ में ये भी दिख रहा है कि करियर में कोई इतनी बड़ी उठक या बैठक नहीं है, मतलब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नहीं है कुछ फ्लक्चुएशन की, बहुत ईजी रिलैक्सिंग है। तो कुछ इतना मेजर होता हुआ मुझे इस वीक आपके करियर में नहीं दिख रहा, इट्स गोइंग वेरी स्मूथ एंड वेरी स्लो, ठीक है। एंड अगर हम आपके बात मनी की करें, तो मनी में एक न्यू एनर्जी आ रही है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट एनर्जी मुझे दिख रही है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये हफ्ता बहुत ही फर्टाइल है, ये हफ्ते में कुछ हो सकता है, कुछ प्रोड्यूस हो सकता है, कुछ क्रिएट हो सकता है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई एकदम से कोई नया पैसा आपकी तरफ आ रहा हो, या कोई इन्वेस्टमेंट आपने की थी उसका पैसा आ सकता है, या इन्वेस्टमेंट आप अपने पैसों से किसी चीज़ की कर सको, लाइक अ न्यू जनरेशन ऑफ मनी इनकम वाले चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। सो यस पायल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ ऐसा वंडरफुल वीक आपके लिए, तो नीचे ग्रीन कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप कर देना, ताकि आई कैन आइडेंटिफाई यू। टिल देन टेक केयर, एंड नेक्स्ट पिक का रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी सेकंड एंजल को यहाँ पे चूज़ किया है, अगर बात करें आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव आपके लिए ये हफ्ता रहेगा। इस हफ्ते में कुछ नॉलेज आपको मिल सकती है जो अगले कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक आपके बहुत काम आए, और साथ ही साथ में इस हफ्ते आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, कोई ऐसा सिचुएशन का पता लग सकता है जो कि आपकी वो हॉराइजन, जो आप सोचते हो कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है, उस चीज़ की तरफ भी आपको एक होप दे। तो एक होप बनती हुई नज़र आ रही है किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इतना कुछ हैपनिंग नहीं लग रहा है। थोड़ी से आप डरे डरे सहमे से अपनी लव लाइफ में लग रहे हो, आपको लग रहा है कि शायद ये चीज़ नहीं हो सकती है, या मैं ये बात करूँ या ना करूँ, मैं ऐसा फील करूँ ना करूँ, मैं अपने पार्टनर को ये कहूँ कि ना कहूँ, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी लग रही है, खुद में बंधा हुआ, बंदिश फील हो रही है। और अगर कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप में बंदिश फील कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, तो शायद ये कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ सकता है जो शायद इस हफ्ते तो नहीं पर आने वाले कुछ दिनों में आपको इस बंधन से मुक्त कर देगा, या जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर से चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं, स्पेशली इन योर लव लाइफ, उससे आपको एक फ्रीडम दिलाए। बात अगर मैं यहाँ पे आपके करियर की करूँ ना गाइस, तो करियर में एक नया चैप्टर सा स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो बहुत लोग कुछ नया अपने करियर में इस हफ्ते में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर नया नहीं हो रहा है, तो कोई पुरानी चीज़ जो बहुत टाइम से आप कर रहे थे वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही, तो एक
फाइनली एक चैप्टर का एंड और दूसरे चैप्टर की बिगनिंग का जो वो एक पॉइंट होता है वो मुझे आपके लिए इस हफ्ते में आता हुआ दिख रहा है। और ये जो भी नया चैप्टर होगा आपके लिए एक बिल्कुल न्यू एनर्जी के साथ आएगा, और साथ ही साथ में जो चैप्टर ख़त्म हो रहा है वो आपको बदले में कुछ अच्छा दे के जाएगा। सो ये हफ्ता एक कंक्लूजन और एक बिगनिंग के बीच का हफ्ता है जो मुझे यहाँ पर आपके लिए ऑब्जर्व होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ में अगर हम आपके यहाँ पर बात करें मनी की, तो मनी सिचुएशन मुझे यहाँ पे आपकी ठीक नज़र आ रही है, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो चैप्टर ख़त्म हो रहा है या जो नई चीज़ शुरू हो रही है उसकी वजह से आपको एक नया पैसा मिल रहा है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, आपको कोई क्लाइंट ने अच्छा पैसा दिया है, तो एक बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी मुझे घर में नज़र आ रही है। लोगों के साथ, फैमिली के साथ गेट टुगेदर भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों का, बट एक बहुत ही प्रॉस्पेरस फुलफिल्ड एनर्जी है आप लोगों की। सो पायल नंबर टू ये है आपकी रीडिंग, और इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो लाइक कर लीजिएगा, और आप चाहते हैं कि मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ ये ब्यूटीफुल सा हफ्ता आप लोगों के लिए, तो आपको नीचे ड्रॉप करना है ब्लू कलर का हार्ट इमोजी। टिल देन टेक केयर, एंड नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय गाइस। हाय पायल नंबर थ्री, जिन्होंने भी यहाँ पे येलो कलर की एंजल को यहाँ चूज़ किया है, तो बात करें आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। तो वीक बहुत हैप्पी हैप्पी है ऐसा दिखने में आ रहा है, जैसे मानो कोई चीज़ आपने बहुत शिद्दत से चाही थी वो फाइनली चीज़ आपकी तरफ आ रही है। स्पेशली इफ आई टेल यू इन योर लव लाइफ सिचुएशन चीज़ें बहुत बेटर हो रही है। लोग जो सेपरेशन में हैं शायद अपने पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ लोग मिलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, या सिंगल लोगों के लिए भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन मैसेज आ सकता है इस हफ्ते में जो प्यार का एक नया चैप्टर आप लोगों की लाइफ में खोले। सो द कमिंग वीक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ लव एनर्जी रोमांटिकली, और अगर रोमांटिकली नहीं है तो आपके फ्रेंड सर्कल फैमिली में कहीं पे भी, मतलब एक एनर्जी प्यार भरी एनर्जी का एक बहुत बड़ा मुझे यहाँ पे एक शिफ्ट होता हुआ, पॉजिटिव शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ में आपको हिदायत ये दिया जा रहा है कि इस वीक जो भी चीज़ आप बहुत टाइम से कर रहे हैं उस पर कंसिस्टेंसी बना के रखिए, क्योंकि वो चीज़ फाइनली कंप्लीशन पे आएगी। आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, जो भी आपका एक एंड गोल है कहीं ना कहीं उस एंड गोल की तरफ आपको लेके जाएगी। बीच में बस हटना नहीं है, स्टे फोकस्ड ऑन योर ड्रीम, स्टे फोकस्ड ऑन योर वर्क एंड कीप कंटिन्यूइंग टू डू दैट। अगर हम एक एक करके बात करें आपके लव लाइफ की, जैसे मैंने पहले ही बोला ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लव एनर्जी को लेकर, मुझे लव लाइफ में बहुत फास्ट मूवमेंट्स होती हुई दिख रही हैं। ऐसा हो सकता है कोई चीज़ कहीं अटकी पड़ी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, किसी चीज़ का अग्रीमेंट नहीं हो रहा, तो फाइनली एक अग्रीमेंट पर आ रहे हो। बहुत लोग लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन में तो एक दूसरे से मिलते हुए भी दिख सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है, सेपरेशन है अगर तो, और अगर आप लोग ऑलरेडी एक हैप्पी रिलेशनशिप में कोई ट्रैवल कर सकते हो, लाइक इट्स अ वेरी गुड वार्म हार्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सिंगल्स के लिए भी मैं कह रही हूँ ना, कोई अप्रोच कर सकता है, कोई मैसेज आ सकता है जो एक लव लाइफ को एक किक दे। ओके, अगर हम आपकी बात करियर की भी करें, करियर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है आपका, सुपर फर्टाइल है, बहुत ही अबंडेंट एंड रिच है, तो करियर में इस हफ्ते आप बहुत ईजिली फ्लो करोगे। करियर में एक अच्छी रिकॉग्निशन भी इस हफ्ते किसी काम के लिए सराहा जा सकता है, तारीफ हो सकती है। कुछ लोग इस हफ्ते जॉब इंटरव्यू वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बिग बिग ये सारा है, तो करियर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रॉमिसिंग दिख रहा है। कुछ नया वेंचर आप दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ छूट गया था वो फिर से शुरू करने लगे हैं इस हफ्ते में, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस आगे दिलाएगा। और बात करें अगर आपकी मनी की भी, तो मुझे यहाँ पे आपका मनी भी अच्छा दिख रहा है, बहुत स्विफ्ट फास्टली आपका मनी इस हफ्ते आता जाता रहेगा, तो बहुत ज़्यादा शायद शॉपिंग्स, ट्रांजैक्शंस आपकी होंगी, तो मनी थोड़ा एक्टिव है आपका, सो इट्स गुड। मनी आएगा भी पर मनी जाएगा भी, तो आने वाला तो खुशी खुशी लो, जाने वाला जो है वो भी खुशी खुशी दो, बट बी माइंडफुल ऑफ कि आप कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। ओके, सो यस पायल नंबर थ्री, ये है आपकी रीडिंग, फंटास्टिक वीक। सो अगर आप इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर चाहते हैं ये वंडरफुल सा वीक आपके लिए मैनिफेस्ट हो तो नीचे आपने मुझे येलो कलर का हार्ट मुझे ड्रॉप करना है ताकि आई कैन आइडेंटिफाई यू। टिल देन टेक केयर, एंड नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय गाइज़।